झाड़ दे। बस, फिट है बॉस। मेरी गाड़ी के ना व्हील नट खुल गए हैं भाई। सबसे पहले गाड़ी ना खाली करवा के, क्योंकि कल टायर पंचर था मेरा। यार ये तो किसी भी हाल में ना पहले व्हील हम टाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसी खुश रखे। तो आपकी दुआओं से आपका भाई भी बहुत खुश है। तो आपका शुक्रिया अदा कि आप इतना प्यार देते हो, आगे भी देते रहना। तो आज नए साल के साथ नए व्लॉग की शुरुआत कर देनी चाहिए भाई। तो आज आए हैं हम संगलदान के एरिया में। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ काम कर रही हैं, एक कंपनी के साथ हमें एडजस्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो दिखाएंगे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे हैं, कुपवाड़ा की हैं और अलग अलग जगह की गाड़ियाँ भी हैं। तो हमें क्या काम करना है और क्या कौन सी साइट है वो भी आपसे शेयर करेंगे। हर एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा मैं यहाँ पे, हर चीज़ ना अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा। तो चलो मैं आपको पहले गाड़ियाँ दिखाता हूँ। वो वाली गाड़ी अपनी है और ये गाड़ी कुपवाड़ा की है और एक गाड़ी पीछे भी है, नहीं दो गाड़ी पीछे हैं। जैसे ये आ गई राजू भाई की गाड़ी, ये भी कुपवाड़ा की है और ये आ गई अपनी गाड़ी। और सलीम भाई तो निकल चुके हैं, उनसे मैं आपको वहीं पे मिलवाता हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारा रूम है, तो रूम का टूर करवाता हूँ। राजू भाई अंदर है और उनका भाई भी उनके साथ है राशिद। तो चलो पहले रूम का टूर करवाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे है जी अपना रूम, हम रहते हैं इस रूम में और दूसरे भाई इस रूम में रहते हैं, एक भाई इस रूम में रहता है। तो ये आ गया जी अपना रूम। राजू भाई अभी कंबल लेके सोए हैं। अब भाई मैं चलूं, अभी ये सोए हैं तो चलो हम निकलते हैं, बाद में मिलते हैं इनसे। राजू भाई की गाड़ी का टायर पंचर है भाई, ये देखो। तो चलो अपनी गाड़ी के टायर चेक करते हैं, यहां से उठाते हैं एक पत्थर जिससे ना हम टायर चेक करेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब दूसरी वाली साइड में चेक करेंगे, ये भी ठीक है। तो चलो भाई अपनी गाड़ी के टायर ठीक है, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो चलो होगी गाड़ी अपनी स्टार्ट, तब तक मैं आपको यहाँ की साइड दिखाता हूँ। तो भाई ये आ गई अपनी साइड क्रशर का, जो क्रशर है। तो इसके लिए हमें मटेरियल यहाँ से लाना भी है और यहाँ से मटेरियल हमें लेके जाना है अलग अलग साइटों पे। तो इस गांव के बारे में अभी मुझे मालूम नहीं है क्योंकि कल ही मैं आया यहाँ पे। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी उतनी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यहाँ के लिए हमें बोल्डर लाने हैं, उस जगह का नाम है सुमड़ साइट है। तो एक जगह है उसका नाम कोली है, यहाँ से हमें मटेरियल वहाँ लेके जाना है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा एक जगह है धारम, शायद उस जगह का नाम है धारम, हाँ वो भी एक साइट है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जब मौका मिलेगा हमें वहाँ जाने के लिए तो वो आपसे भी दिखाएंगे। संगलदान से होके हमें उस साइड पे पहुंचना है, मतलब ये पार से जाना पड़ता है वो वाले एरिया से। बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, वो भी आपसे शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो भाई सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं।
अपने साइड में ना इस टाइम बारिश पड़ रही है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मौसम खराब हो चुका है लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों जितना जितना ऊपर जाएंगे उतनी उतनी हाइट आएगी, तो काफ़ी सारी हाइट पे हमें जाना है। रोड का कुछ पता नहीं है कैसा है क्योंकि मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ अभी, तो फिलहाल मेरा पहला ट्रिप है आज, तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे। देख रहे हो भाई कितनी हाइट पे आना है, ये देखो पार से दिख रही है गाड़ी कहाँ से जा रही है, ये देखो भाई। हमें जाना है राइट, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो कोली जाएंगे और सीधे जाएंगे हम, ये जाएंगे हम सुमड़। तो ये देखो भाई तो अपनी गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी, तो मैं दिखा देता हूँ वो नीचे रहा अपना रूम, वहाँ पे क्रशर भी है तो उसी के साथ अपना रूम भी है। तो फिलहाल रूम हमारे लिए ठीक है क्योंकि क्रशर के साथ में ये, वरना पार कहीं ढूंढना था। ये देखो एरिया, तो फिलहाल देखो कितनी हाइट पे, अभी हमें और जाना है वो उस रास्ते से, इस पहाड़ी के पीछे जाना है। तो ये आ गया सुमड़ का एरिया और जो मैंने आपको दिखाया है कि हमें लेफ्ट में जाना है वो आ गया कोली। तो उसी साइड में साइड हमें मिलेगी धाड़न, वो उस दूसरे वाले टॉप पे। तो ये आ गया संगलदान का एरिया, वो वाला, वो जो वाइट वाइट बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं उतनी नहीं दिख रही होंगी। तो ये आ गया संगलदान का एरिया, वहाँ से नीचे ये आ गया क्रशर। तो चलो चलते हैं हम सुमड़ के लिए। और सलीम भाई आ गए हैं लोड लेकर, तो इसका मतलब इसके बाद मेरी गाड़ी का नंबर है। सलीम भाई उतर चुके हैं, फिलहाल देखते हैं गाड़ी में क्या लोड किया है इन्होंने। भाई साहब ये देखो, ये नीचे लेके जाना है हमें क्रशर पे। तो ये आ गए सलीम भाई, यहाँ से शायद हमें लोड करना है लेकिन मशीन कहाँ है, शायद हमें और आगे जाना है, तो शायद आगे जाना है, मशीन आगे लगी है। हाँ दिखी मुझे मशीन, दिख गई। ये पहुंच गया जी मैं साइट पे, तो यहाँ पे मुझे गाड़ी घुमानी है और गाड़ी में करने हैं लोड बोल्डर। ये आ गई जी बस सुमड़ की। तो दोस्तों आप पहुंच गए हम सुमड़ में और 7:30 में निकला रूम से और 8 बजे में यहाँ पहुंचा, आधा घंटा पूरा लगता है यहाँ पर पहुंचने में। तो ये आ गई अपनी साइट और यहाँ से मुझे माल लेके जाना है नीचे क्रशर पे। तो चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये एरिया दिखा देता हूँ। तारिक भाई ये वाली गाड़ी चलाते हैं और तारिक भाई रहते हैं सुमड़ में, तो तारिक भाई से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ की ले लेते हैं कि मतलब ये गांव कौन सा है, वो वाला गांव कौन सा है। तो ये आ गया तारिक भाई सुमड़। हाँ तो ये वाला इस तरफ, इसके उस तरफ बिजमस्ता। अच्छा यहाँ से ये रोड कहाँ जाती है? ये सीधा आपके डिगडोल हाईवे पे जाएगा, उधर से सीधा बता। अच्छा ये रोड वहाँ से भी मिलती है डिगडोल, इसका मतलब डिगडोल से अगर हम आएंगे तो सीधा हम यहाँ भी पहुँचेंगे। इसका मतलब दो रास्ते हैं यहाँ के, एक तो डिगडोल से तो और ये उधमपुर से। तो ये वाला शॉर्टकट है कि ये वाला रास्ते, ये वाला शॉर्टकट है। चलो भाई ठीक है, तो चलो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो आप कहाँ माल लेके जा रहे हो? मैं नीचे जाऊँगा क्रशर पे। आप भी? हाँ जी। चलो ठीक है, बस एक दो बकेट और पड़ेंगे, हो गई हमारी गाड़ी लोड, इसके बाद तारिक भाई की गाड़ी लोडिंग पे लग जाएगी और साथ में दोनों चलते हैं इकट्ठा नीचे तक।
तो दोस्तों पूरा 10 किलोमीटर डाउन ही जाना है हमें, तो इतना ज़्यादा रफ भी नहीं उतरना है कि चक्के गर्म हो जाएंगे। तो फिलहाल हम एग्जास्ट लगा के गाड़ी को छोड़ देते हैं और धीरे 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 गाड़ी नीचे तक उतार लेते हैं। तो फिलहाल मेरी गाड़ी नीचे आ रही है, आराम से उतर रहे हैं हम। बस थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखा, एग्जास्ट को चालू कर दिया और गाड़ी को छोड़ दिया। इससे क्या होता है ना कि चक्के जो है गर्म नहीं होते हैं, तो चक्के गर्म होने में ना टायर फटने का खतरा रहता है। देखो भाई फिलहाल देखो कितना डाउन जाना है हमें नीचे। पहुंच गए जी हम नीचे और यहाँ पे गाड़ी हम साइड पे खड़ी कर देते हैं। गाड़ी हम साइड पे कहाँ पे खड़ी करेंगे, प्लान पे जहाँ पे गाड़ी अच्छे से साइड पे रहे। तो बस वो आ गया सलीम भाई, चलो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। तो चलो अपनी गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, अब टायर भाई भी आ गए, तो कर दी इन्होंने गाड़ी खड़ी। तो भाई आगे वाले चक्के ना थोड़ा बहुत गर्म हो चुके हैं, लेकिन हम एग्जास्ट पे उतरे तो पीछे वाले बिल्कुल ठंडे हैं। भाई मेरी गाड़ी के ना व्हील नट खुल गए हैं भाई, सबसे पहले गाड़ी ना खाली करवा के, क्योंकि कल टायर पंचर था मेरा। यार ये तो किसी भी हाल में ना पहले व्हील हम टाइट करते हैं। हाँ भाई पहुँच गए, शुक्र है अल्लाह का। हाँ इनके भी आगे वाले चक्के गर्म हो चुके हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर ना उससे ज़्यादा ही है डाउन आना है। खुद सोचो यार, वो रहा यहाँ से फिर उस तरफ जाना है। तो चलो देखते हैं कब तक गाड़ी खाली करते हैं, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा यार। यहाँ पे थोड़ा आगे वो नीचे होटल है, वहाँ पर चाय पियेंगे। ये आ गया अलीम भाई, ये कहाँ के लिए जा रहा है भाई? शायद कोली जा रहा है, इसमें बजरी लोड है। जा रहे। भाई चाय हो गई हमारी, बस अब हम गाड़ियाँ लेके चलते हैं कांटे पे। कांटा करवाना है गाड़ी का, कितना लोड है गाड़ी में, तो उसके हिसाब से ना हमें एक बिल मिलेगी जिसपे मतलब ये होगा वेट लिखा होगा कितना है। तो चलो ले चलते हैं गाड़ी सबसे पहले कांटे पे, साथ में तारिक भाई भी है, उनकी गाड़ी भी है साथ में। तो यहाँ पे हमें कांटा करवाना है गाड़ी का। सलीम भाई की गाड़ी कांटा करवा रही है। देखो भाई क्रशर पे कितनी गाड़ियां लगी हैं, ये यहाँ की गाड़ियां हैं। खाली हमें ऊपर जहां पे हमारा रूम है वहीं पे हमें खाली करनी है, तो पहले कांटा करवाते हैं उसके बाद हम ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले सलीम भाई की गाड़ी खाली करवाते हैं। चल आन दे। यहाँ
यहाँ पे खाली करना है। बस 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 फिट है बॉस। मेरा तेरे से ज्यादा है ओए। मारा भाई 680। तो चलो मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। तो चलो भाई अपनी गाड़ी को खाली करते हैं, उसके बाद तारिक भाई गाड़ी अपनी खाली करेंगे। और गाड़ी खाली करने के बाद मैं अपने चक्के जो है वो उनके नट जो ढीले हो गए उनको टाइट करने हैं। तो चलो गाड़ी खाली करने के बाद अपने व्हील नट टाइट करते हैं। चलते हैं अब। तो हो गया जी अपना काम, व्हील मैंने टाइट कर दिया, अब निकलते हैं दूसरे ट्रिप। नीचे से हमें ये बुक मिलती है, इस पर मतलब ये वेट कितना है वो लिखा जाता है। और ये अपने पास एक कॉपी अपने पास रहती है और एक कॉपी इनके पास रहती है कंपनी के पास, मतलब वो तो उन्होंने काट ली। इस पर गाड़ी नंबर लिखा है और ये वेट लिखा है 22 टन 680। तो ये बात अच्छी बात है, ये एक हमारे पास रहेगी और एक इनके पास। चलो दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं दूसरे ट्रिप के लिए ऊपर, अभी 11:30 हुए और 12-1 बजे तक हम वापस भी आएंगे और इसके ना दो एपिसोड बनाएंगे क्योंकि व्लॉग बड़ा होता है, तो फिलहाल इसके दो एपिसोड बना देते। तो चलो पहुँचते हैं सबसे पहले हम ऊपर जगह पे।